सदेश शहर में आपका स्वागत है और बात करते हैं आज भारतीय शेयर बाजार की। भारतीय शेयर बाजार के अंदर आज थोड़ा सा मंदी का रुख था। मंदी के कई कारण हैं। एक, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स इस समय काफ़ी गिर चुके हैं, कच्चे तेल अर्थात क्रूड के दाम बढ़ चुके हैं और इंटरनेशनली यील्ड्स ऊपर जा रही हैं। यील्ड्स का ऊपर जाने का मतलब यह है कि शेयर बाजार का मानना है कि आने वाले समय में ब्याज दर में बढ़ोतरी होगी। ब्याज दर अगर ऊपर जाती हैं तो इसका सीधा प्रभाव एक तो अर्निंग्स पर आएगा, डिमांड पर आएगा और स्टॉक वैल्यूएशंस पर आएगा। मगर आप इंडियन मार्केट्स को देखें, हालांकि इंडियन मार्केट्स में आज या शेयर बाज़ार के अंदर आज नरमी का रुख था, मगर ऑन अ रिलेटिव बेसिस अगर आप इंडिया को चाइना से कंपेयर करें, इंडिया को अगर आप अमेरिका से कंपेयर करें, तो इंडियन मार्केट्स हैव मैनेज्ड टू आउट परफॉर्म क्वाइट स्मार्टली इन लास्ट 3 months, 6 months एंड दिस ईयर ऑल्सो। तो आने वाले दिनों में, क्योंकि बजट आने वाला है, क्रूड के दाम ऊपर हैं और अमरीकी शेयर बाज़ार के अंदर स्पेशली नैसडैक के अंदर 10% करेक्शन आ चुका है, क्या हमें समझना चाहिए, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं अजय बग्गा जी और मनीष डांगी। अजय, मनीष, आपका स्वागत है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मैं आज का जो प्रश्न है, सबसे पहले मैं अजय के पास जाऊँगा। अजय, अमरीकी शेयर बाज़ार में जो हो रहा है वो कितना चिंता का विषय है? जी देखिए, तो ओवरऑल जब यूएस में यील्ड्स बढ़ते हैं तो यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होता है, यूएस डॉलर और स्ट्रांग हो जाता है और हम देखते हैं कि आउटफ्लोस होते हैं इमर्जिंग मार्केट से और लोगों को विकल्प मिलता है अपने ही घर में इन्वेस्ट करने का, तो वो बाहर से पैसा लौटाना शुरू कर लेते हैं। तो हिस्टोरिकली क्या होता है कि यूएस के जब यील्ड्स बढ़ते हैं तो हमने देखा है कि इमर्जिंग मार्केट्स में से पैसा निकलता है और इसलिए इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक नेगेटिव कोरिलेशन रहता है यूएस के यील्ड्स के साथ, यूएस के रेट्स के साथ। मनीष, आप पहले भी इस बात पे चिंता व्यक्त कर चुके हैं, आपने क्वेश्चन मार्क और एक रिंकल रेस करा था कि हमें संभल के रहना चाहिए, क्रूड ऊपर जा रहा है, बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रही हैं। आइए उसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको क्या लगता है? हाँ, तो मतलब मेरा जो बिग पिक्चर फ्रेमवर्क था उसमें यही था कि दो सबसे बड़े बाइंडिंग कंस्ट्रेंट इंडिया की ग्रोथ और इंडिया की जो रिस्क एपेटाइट रहती है लोकली मार्केट्स में, बॉन्ड्स को लेकर के या करेंसी को लेके और इक्विटी को लेके, तो दो सबसे बड़े फैक्टर जो 7-8 महीने पहले से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो एक ये है कि मोस्ट प्रॉब्ली सारे डेवलप्ड मार्केट्स एंड मोर स्पेसिफिकली यूएस में इंटरेस्ट रेट्स टाइटन होती चली जाएंगी, क्योंकि ऐसा होता है हमेशा कि यूएस जो है वो जनरली बहुत जल्दी रिएक्ट करता है किसी भी क्राइसिस को, जल्दी रिकवर होता है और उसके बाद में जल्दी टाइटन करने लगता है। हम जैसे लोग जो रिलेटिवली गरीब देश हैं, डेवलपिंग देश हैं, वो हम इतना कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारी सोवरेनिटी, हमारी पॉलिसी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो जब वो जल्दी रिएक्ट करके और रिकवर हो जाते हैं और फिर वापस टाइट करने लगते हैं, तो जो बहुत सारा पैसा, जो लिक्विडिटी, जो रिस्क प्रीमियम्स कम होना, इन सब से हमारी रिकवरी हो रही थी वो थोड़ी सी अंडरवेलमिंग रहती है और बहुत जल्दी जो है वो प्रिक हो जाती है। तो एक तो मेरा शुरू से 7-8 महीनों से ये फैक्टर था कि रेट्स जब यूएस में टाइटन होंगे तो हमारे देश की जो ग्रोथ है वो पूरी फुली रिकवर नहीं हो पाएगी। और दूसरा ऑफकोर्स जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से मेरा 12-13 महीनों से यही व्यू है कि ऑयल जो है वो इज हेडेड टुवर्ड्स 100 एंड परहैप्स इवन मोर। रशिया का कंप्लीट ग्रिप है ओपेक पे टुडे, सप्लाई डिमांड बहुत अच्छे से कंट्रोल्ड है, तो इन सब की वजह से ऑयल जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर चला जाएगा। वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा टैक्स है बिकॉज हम सारा अपना मोटा मोटी सारा का सारा ऑयल जो है बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। तो ये दोनों बड़े फैक्टर हैं, उसकी वजह से मुझे लग रहा था कि जो इंडिया की रिस्क एपेटाइट है वो रिलेटिवली शेव्ड रहेगी अगले 8-10 महीनों में। तो दैट इज वॉट इज प्लेइंग आउट राइट नाउ। आई स्टिल कंटिन्यू टू सजेस्ट कि इन्वेस्टर्स को इस वक्त कॉशियस ही रहना चाहिए। तो अजय, एक प्रमुख कारण था जो सब विशेषज्ञ हमें बताते हैं कि भैया भारतीय शेयर बाजार में लिक्विडिटी आ रही है, अर्थात ग्लोबल इन्वेस्टर्स का पैसा आ रहा है। अगर रेट्स ऊपर जाते हैं तो क्या ये लिक्विडिटी रिवर्स हो जाएगी, और ये लिक्विडिटी अगर रिवर्स हो जाएगी तो क्या शेयर बाजार से हमें बच के रहना चाहिए?
देखिए आज के दिन में अगर आप देखें लगभग 21% हमारा मार्केट मार्केट कैप के अकॉर्डिंग फॉरेन ओन्ड है, तो काफी बड़ा हमारे में इन्वेस्टमेंट है। दूसरा है हमारे जो मार्केट में एफआईएस के इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं वो काफी लिक्विड रहते हैं, हमारे दरवाजे नहीं बंद होते कभी। और हमने देखा 2008 में भी हमें ज्यादा क्षति हुई, 2013 में, 2018 में सेल ऑफ जब भी होता है तो यहाँ से पैसा निकालना आसान रहता है लोगों को। तीसरा है कि ईटीएफ्स, ग्लोबल ईटीएफ्स, जेम ईटीएफ्स के तौर पे भी बहुत पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में आना शुरू हुआ पिछले कुछ वर्षों से, और वो जब निकलता है तो वो कुछ हेल्प नहीं कर सकते फंड मैनेजर, जब अगर लोग पैसा निकाल रहे हैं वो पैसा निकलेगा और हमारे मार्केट्स पे इम्पैक्ट आएगा। पिछले साल इम्पैक्ट थोड़ा कम रहा क्योंकि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने बहुत अच्छा पैसा रेज किया और रिटेल इन्वेस्टर्स बिल्कुल इन्वेस्ट करते रहे, तो क्या इस साल भी वही प्लेबुक रहेगी ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि फेड थोड़ा पीछे रह गया, जैसे मनीष जी भी कह रहे थे कि पिछले साल ही जब ये इन्फ्लेशन को ट्रांसिएंट कह रहे थे उसी टाइम पे एटलीस्ट टेपर कर देना चाहिए था, जो हर महीने 120 बिलियन डाल रहे थे बॉन्ड और एमबीएस परचेजेस में, एटलीस्ट वो रोक लेते। तो अब क्या हो रहा है, अब तीनों चीजें इकट्ठी आ रही हैं मार्च में, कि एक आपका टेपर खत्म हो जाएगा वो तो मार्केट ने बचा लिया था, दूसरा इंटरेस्ट रेट हाइक जो हमें लग रहा था जुलाई तक शुरू होगा साइकिल, अब लगभग तय है 100% प्रोबेबिलिटी। सीएमई फेड वॉच टूल दिखा रहा है, WIRP आप जाइए ब्लूमबर्ग में दिखा रहा है, रेफिनेटिव पे चेक करिए, वहां भी 100% प्रोबेबिलिटी है मार्च में रेट हाइक की। और तीसरा जो मार्केट्स को अभी बहुत एक धक्का लगा पिछले 10 दिनों में, जो दिसंबर के उनके मिनट्स आए उसमें बैलेंस शीट नॉर्मलाइजेशन नियरली बहुत अर्जेंटली की बात की गई। अब आप देखिए जो पिछली बैलेंस शीट इन्होंने कोशिश की थी नॉर्मलाइजेशन की 2017 में, रेट हाइक 2015 से शुरू हुआ, बहुत कम कम धीरे धीरे रेट हाइक हो रहे थे, 2 साल बाद बैलेंस शीट नॉर्मलाइजेशन की बात हुई, $10 बिलियन निकालने शुरू किए और 3-4 महीने में मार्केट्स गिर गए। अब आप बात कर रहे हैं जहां $1.5 ट्रिलियन आप सालाना डाल रहे थे ग्लोबल इकोनॉमिक्स में, वो पैसा आपने बंद किया, इंटरेस्ट रेट्स आप बढ़ा रहे हैं, तीसरा जब आप पैसा निकालने लग जाएंगे वो प्लेबुक किसी को नहीं आती। हमने देखा 2017-18 में डिजास्टर था, स्वीडन ने ट्राई किया 2010 में, नहीं कर पाए, तो ये अभी मार्केट्स को बहुत विचलित कर रहा है कि ये कैसे पैसा निकलेगा। $9 ट्रिलियन की अब फेड की बैलेंस शीट है, कितना पैसा निकालेंगे, और वो पैसा निकलना अजय जी हो जाता है मुकाबले में रेट हाइक के, तो एक तरफ से आप रेट भी बढ़ा रहे हैं दूसरा आप पैसा भी निकाल रहे हैं, तो मार्केट बहुत टाइट हो जाते हैं। जी तो मनीष, अगले 12 से 18 महीने क्या रणनीति अपनानी चाहिए? अगर ब्याज दर ऊपर जा रही है, लिक्विडिटी का रिवर्सल आने वाला, डिमांड कम होगी, तो तीनों पहलू शेयर बाजार के लिए खराब हैं। क्या आने वाले 12 से 18 महीनों में कैपिटल प्रिजर्वेशन शुड बी द बिग मंत्रा? तो देखो ऐसा है कि फ्रैंकली नो वन नोज कि किस फॉर्म में ये प्ले आउट होगा, यानी कि ऑयल जो है, अगर आप मुझे बोलो कि यहाँ से $20 और ऊपर जाएगा तो उसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट्स में और यूरोप में डबल डिप हो सकता है, खास करके इंडिया जैसे देशों में जो सारे के सारे ऑयल को बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और जैसे आप एक गाड़ी चला रहे हो तो ऑयल वर्क्स लाइक अ टोल, यू नो, तो आपको अरेबियन कंट्रीज को हर साल आपके जीडीपी का 3.5% के आसपास में उनको देना पड़ता है, अगर वो भाव अगर बढ़ता है तो टोल बढ़ जाता है, ज्यादा टोल बढ़ जाता है तो आप गाड़ी कम निकालते हो। तो अगर ऑयल प्राइस यहाँ से, जो मेरा व्यू है, 100 का व्यू था तो 100 वी आर वेरी क्लोज, बट अब जो यूक्रेन में हालत है, जिस तरह से यूरोप अपनी गैस डिमांड को ऑयल में स्विच कर रहा है, और जिसकी और बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज जो इंक्रीमेंटल कैपेसिटी इतनी आसानी से आ नहीं रही है, शेल जो इंक्रीमेंटली इतना डिलीवर कर नहीं रहा है, मतलब बेसिकली हाई प्राइस इज जनरली ए सोल्यूशन टू हाई प्राइस,
तो अब आधा ज्यादा प्राइस होने के बाद में भी इतना एक्सेस ऑयल अगर नहीं आ रहा है सिस्टम में, तो हो सकता है कि ऑयल 100 से भी ऊपर चला जाए। तो अब क्या है कि हमारा देश, क्योंकि हम इतना एक्सेसिवली रिलायंट हैं बाहर के ऑयल इंपोर्ट पे, कि एक एक पॉइंट पे हमारा ग्रोथ का जो इलास्टिसिटी है वो ऑयल से एक्स्ट्राऑर्डिनरली हाई हो जाता है। तो डर ये है कि 100 से $110 के आसपास में क्रूड जो है वो हमको एक्सेसिवली हर्ट करना लगेगा। तो अब ये सेटअप है ऐसा कि शायद ऑयल 100 से भी क्रॉस हो और ऊपर चला जाए, तो हमको ये पता है कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो उसकी वजह से इन्वेस्टर्स का जनरली रिकमेंडेशन मेरे को रहेगा कि टेक योर चिप्स ऑफ, है ना। मतलब जिस आप सी हर बंदे ने पैसा बनाया है, जो कुछ ट्रेडर्स को छोड़ करके पिछले 12, 18, 20 महीनों में, और 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में जब भी किसी ने पैसा डाला है तो इक्विटी मार्केट्स ने हैंडसमली रिवॉर्ड किया है। तो जब चारों तरफ आपके इतनी अनसर्टेनिटी बिल्ट है, और नेगेटिव अनसर्टेनिटी बिल्ट है, पॉजिटिव नहीं है ये, खासकर कि ऑयल को लेकर के, और एटलीस्ट 12 महीने के अंदर यूएस की इंटरेस्ट रेट्स को लेकर के, और इवन जर्मनी की इंटरेस्ट रेट्स को लेकर के, कि अगर रेट्स अगर टाइटन हो जाते हैं तो रेट्स, यूएस रेट्स और जर्मन रेट्स और जो बाहर के डेवलप्ड देशों के रेट्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, वो हमारे कार पे एक ब्रेक की तरह से काम करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट रेट्स को वहां बढ़ाते चले जाएंगे और उनकी इन्फ्लेशन अगर सीमिंगली कंट्रोल में नहीं आती है, वो भी हमारे लिए खराब है, क्योंकि बाहर ही से हमारे यहाँ पे रिस्क एपेटाइट वाले फ्लोज आते हैं। तो दोनों अनसर्टेनिटी नेगेटिव हैं अभी, तो उसकी वजह से जनरली रिकमेंडेशन है कि टेक सम चिप्स ऑफ। आपका 100 रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट है जनरली इक्विटी के अंदर, तो आप उसको ट्रिम करिए, यू नो 10 रुपए काटिए, 20 रुपए काटिए, 30 रुपए काटिए, लेकिन टेक सम चिप्स ऑफ द टेबल। अगला 12 महीना मैक्रो, खास करके जो ग्लोबल सेटअप मैक्रो है वो थोड़ा खराब है। अगर अब इस हमको क्रॉस कर लेते हैं ठीक से, ऑयल एक्चुअली रिसीट कर जाता है, सप्लाई रिस्पॉन्स आ जाता है, यूएस वापस से इंटरेस्ट रेट्स को हिंट करने लगता है आफ्टर मार्केट सेल्स ऑफ कि नहीं हम बहुत ज्यादा टाइटन नहीं करेंगे, या यूएस की इन्फ्लेशन यू नो कमजोर हो जाती है, तो ये सब चीजों पे हम वापस से रिएक्ट कर सकते हैं कि नहीं चलो ठीक है, हम फिर से रिस्क ऑन ट्रेड कर सकते हैं। तो एज ऑफ राइट नाउ, गिवन द सामने अनसर्टेनिटी का माहौल ज्यादा है और नेगेटिव अनसर्टेनिटी है, तो इसके लिए ये वाइज रहेगा किसी एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए कि वो कुछ पैसा मार्केट से निकाल ले। चलिए मनीष जी, अजय जी, आप हमारे साथ चर्चा पे जुड़े, इसके लिए चलिए, बहुत तो बहुत यहाँ पर शुक्रिया। हमने क्लियरली सुना कि जानकारों का क्या कहना है बाजार की आगे की चाल को लेकर, लेकिन आज बाजार में किस तरह का कारोबार हुआ है इसको हम देख लेते हैं। तो बाजार में आज तीसरे दिन हमने गिरावट हावी देखी है। आज वीकली एक्सपायरी का दिन था, कई खबरों और नतीजों के चलते हमने दिन भर काफी हलचल उतार चढ़ाव भी देखी बाजार में, लेकिन ओवरऑल आज का दिन बाजार में कैसा रहा है तमाम डिटेल्स हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी दे रही हैं। बाजार में लगातार आज तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 17,800 के नीचे क्लोज हुआ और सेंसेक्स में भी करीब 590 अंकों की गिरावट देखी गई। वहीं बैंक निफ्टी में भी आज दिन भर लाल निशान में ही कारोबार होते हुए दिखाई दिया। और तो हर तरफ चौतरफा यहाँ पर बिकवाली ही देखने को मिली और आज भी दबाव के साथ कारोबार हो रहा था, लेकिन दिन भर नतीजों और खबरों के चलते आज दिन भर हमने देखा कि जो छोटे मझोले स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस थे वो काफ़ी ज़्यादा रहे। इसमें आईटी और फार्मा ने बाजार में आज दबाव बनाया और फार्मा इंडेक्स में लगातार हमने देखा कि 5वें दिन दबाव देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ पावर और मेटल शेयरों में से सहारा आज बाजार में मिलता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों में आज टॉप गेनर था पावर ग्रिड, जिसमें कि 4% की से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली। इसके बाद भारती एयरटेल, ग्रासिम और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये कुछ ऐसे पावर और मेटल स्टॉक्स थे जो कि आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों में कमजोर था बजाज फिनसर, नतीजे आने के बाद यहाँ पर कमजोरी देखी गई। बजाज ऑटो में भी अच्छे नतीजों के बावजूद यहाँ पर आज स्टॉक में गिरावट देखी गई और निफ्टी का टॉप लूजर था। इसके अलावा डिवीज लैब और इन्फोसिस, आज आईटी शेयरों में भी कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया और इन्फोसिस में आज भी कमजोरी देखने को मिली है। कुछ स्टॉक्स में आज नतीजों के दम पर कुछ इम्पैक्ट देखा, जैसे कि बजाज ऑटो, नतीजे अच्छे थे लेकिन उसके बाद भी स्टॉक में दबाव के साथ कारोबार हो रहा था।
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में आज कमजोरी थी नतीजों के चलते, और टाटा कम्युनिकेशन में भी कमजोर नतीजे थे जिसके चलते आज स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप आईटी लूजर्स में पर अगर नजर डालें तो आज ओरेकल फाइनेंशियल, कोफोर्ज, एलएनटी इन्फो और एम्फेसिस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज दबाव देखने को मिला। वहीं बढ़ने वाले शेयरों में आज कुछ चुनिंदा मिड कैप स्टॉक्स थे जहां पर कि काफ़ी अच्छी तेज़ी दिख रही थी, जिसमें कि जस्ट डायल में आज करीब 13 से 13% की तेज़ी देखी गई। टाटा एलेक्सी में आज दूसरे दिन हमने देखा मजबूती के साथ कारोबार हो रहा था। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में भी अच्छी मजबूती थी और दीपक नाइट्राइट में भी आज 7 से 8% की मजबूती देखने को मिली। बाजार के जानकार क्या कह रहे हैं अब एक बार फिर से जान लेते हैं। कोटक एएमसी के एमडी नीलेश शाह को फिलहाल बाजार की वैल्यूएशन ठीक नजर आ रही है, उनका बाजार पर क्या कहना है, कौन कौन से सेक्टर्स उनको पसंद आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इक्विटीज आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, नॉट वेरी चीप, दे आर समवेयर इन द हायर एंड ऑफ देयर फेयर रेंज ऑफ वैल्यूएशन। मार्केट्स हैव करेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी आर स्टिल स्टैंडिंग आउट, but I wouldn't say that our markets are looking expensive. I think we are fairly priced vis-a-vis our historical average in relation to global average. In terms of fixed income, yes, rates are rising, but to a great extent, our markets are currently discounting RBI's proposed action. And in our opinion, RBI will move in three stages. One, they will reduce reverse repo and repo rate corridor. Second, they will change stance from accommodative to neutral. And third, finally, they will move on repo rate hikes. Our markets have already discounted anywhere between 75 to 100 basis points of repo rate movement. So unlike global markets where people are waking up with their central bank's action, our markets are already discounting central bank's action. So selectively, there are pockets in fixed income where one can invest and which will be protected against increase in interest rates. करेक्शन हमेशा बाजार के लिए अच्छा होता है, ये कहना है आईएफएल सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव भसीन का। बाजार की गिरावट पर कब ब्रेक लगेगा और साथ ही बजट तक बाजार किस स्तर तक पहुंचेगा, क्या कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। मार्केट 16400 से 18400 हो गई, 600 पॉइंट का करेक्शन बहुत शार्प और बहुत अनवारंटेड था। उसके लिए लोकल कोई कारण नहीं, ग्लोबल क्यूज है, डाउ हैज करेक्टेड, यील्ड्स हैव गॉन अप, बट ये सब ग्रोथ की निशानी है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंडिया में अंडर कंट्रोल है, इंडिया के नंबर्स अच्छे हैं, रुपी स्टेबल है, हमारे यहाँ कोविड का जो थर्ड वेव है इट इज मोर ऑर लेस यू नो इवनिंग आउट। तो मुझे बताइए निराशा की बात क्या है। छह सेशन के बाद बजट आने वाला है जो ग्रोथ ओरिएंटेड होगा। इस समय क्वालिटी स्टॉक्स मिल रहे हैं इसलिए क्योंकि जिन्होंने जिसकी कंपल्सिव सेल ऑफ था वो सब कुछ बेच रहा है। आज के लूजर देखिए आईटी स्टॉक्स जो सबसे फेवरेबल स्टॉक्स थे, एचडीएफसी, बजाज ट्विंस। सो आई थिंक द सेलिंग इज ओवर डन, बट दैट्स टिपिकल ऑफ अ मार्केट, लीवरेज प्लेज आर गेटिंग कट आउट। चलिए बात करते हैं तिमाही नतीजों की, जहां पर एचयूएल नतीजे पेश किए हैं, कैसे रहे नतीजे, हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला बता रही है। FMCG मेजर HUL ने अपने Q3 के नंबर्स पोस्ट किए और देखा जाए तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट किया है FMCG ने। ये टाइम मेन जो फैक्टर्स जो पॉइंट आउट किए हैं मैनेजमेंट ने कि वो है कि ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है मे बी वो कंटिन्यू रहेगा थोड़े टाइम आगे जाते हुए भी। तो नियर टर्म में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स होंगे तो उसकी वजह से ग्रॉस मार्जिन्स पे तो इम्पैक्ट होगा पर वॉल्यूम्स पे भी थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा। ये टाइम वॉल्यूम ग्रोथ आई है सिर्फ 2% पे, तो मे बी यू नो थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट रहेगा बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशनरी प्रेशर। उसके अलावा कंपनी ने जो हाईलाइट किया है कि ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से जो रूरल मार्केट्स हैं वहाँ पर थोड़ी स्लो डाउन भी दिख रही है कंपनी को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एज वेल एज वैल्यू दोनों की तरफ से। तो श्योरली ये भी प्रेशर रहेगा और कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि यू नो ये प्रेशर की वजह से कमोडिटी की जो हेडविंड्स है चैलेंजेस है वो कंटिन्यू रहेंगी थोड़े टाइम तक। तो जो उनकी कैलिब्रेटेड प्राइस हाइक्स है वो तो वो लोग देखेंगे और कैलिब्रेटेड प्राइस हाइक्स लेने की बात कर रहे थे मैनेजमेंट ने। उसके अलावा रेवेन्यू ग्रोथ देखा जाए तो 10% रेवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ भी हुई अराउंड 17% की और मार्जिन है 25.4%। तो मार्जिन्स को सपोर्ट किया है कि उनकी रिड्यूस्ड एड स्पेंस जो है और अदर एक्सपेंसेस रिड्यूस हुए हैं उसकी वजह से मार्जिन्स की एक्सपेंशन हुई है ये टाइम। और आगे जाते हुए भी कंपनी ने बोला है कि वो ये इबिटा मार्जिन्स मेंटेन करने की
प्रेरणा करेंगे और मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, इज व्हाट द कंपनी हैज हाईलाइटेड। तो देखेंगे कि आगे जाके कैसे रहेगी एचयूएल की परफॉर्मेंस, पर ये टाइम श्योरली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है, वॉल्यूम ग्रोथ आई है 2% पे। चलिए, अब इसके बाद एशियन पेंट्स के भी नतीजे आए हैं और कैसे रहे हैं नंबर्स, विस्तार से समझा रही हैं विनी मोतीवाला। एशियन पेंट्स के Q3 नंबर्स देखे जाए तो इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स है ओवरऑल कंसेंसस से और ईटी नाउ के पोल से मैच करते हुए। वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग वॉल्यूम ग्रोथ आया है कंपनी का, 18% वॉल्यूम ग्रोथ और डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ तो सस्टेन रहा है। तो देख सकते हैं कि यू नो ये शो करता है कि मे बी डिमांड तो अभी भी चल रही है क्योंकि स्ट्रांग वॉल्यूम ग्रोथ की पॉजिटिव साइन दिखाते हैं। बट मार्जिन पे प्रेशर तो बढ़ ही रहा है और मार्जिन प्रेशर श्योरली इम्पैक्ट कर रहा है ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन को, इबिटा मार्जिन को, वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है और इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट है वो इम्पैक्ट कर रहा है ओवरऑल मार्जिन ऑफ द कंपनी को। सिक्वेंशियली देखा जाए तो मार्जिन श्योरली इंप्रूव हो रहे हैं क्योंकि नवंबर और दिसंबर के मंथ में एशियन पेंट्स ने प्राइस हाइक ली हुई थी, तो वो सपोर्ट कर रहा है मार्जिन को सिक्वेंशियल बेसिस पे और इंप्रूवमेंट देख रहे हैं हम लोग मार्जिन को सिक्वेंशियल बेसिस पे। रेवेन्यू अप है 26% से अराउंड, प्रॉफिट्स डिक्लाइन हुए हैं और मार्जिन में भी थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन दिख रही है मेनली ड्यू टू द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ओवरऑल सेगमेंट वाइज देखें तो इंडस्ट्रियल कोटिंग सेगमेंट और ने काफ़ी डबल डिजिट हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ देखा है। होम इम्प्रूवमेंट सेगमेंट ने भी हेल्दी ग्रोथ कंटिन्यू की है, ग्रोथ वहाँ पर भी दिख रहे हैं। और ऑटोमोटिव कोटिंग जो सेगमेंट है वहाँ पर स्लाइट बिट प्रेशर है क्योंकि ऑटोमोटिव सेक्टर पर थोड़ी चैलेंजेस देख रहे हैं, तो ओवरऑल वहाँ पे थोड़ी प्रेशर है। पर स्ट्रांग वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है दिस टाइम अराउंड और इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स है एशियन पेंट्स के। चलिए, ये तो बात हुई है वो नतीजों की जो आज आए हैं, लेकिन कल अहम नतीजे, रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने तिमाही नतीजे पेश करेगी और क्या है नतीजों को लेकर अनुमान, हमारे सहयोगी सौमीन बता रहे हैं। एनलिस्ट एस्टिमेट्स के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर थर्ड क्वार्टर में अच्छे आने की एक्सपेक्टेशंस है। अगर आप देखेंगे कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर द कंपनी का रेवेन्यू करीब 8% से ऊपर हो सकता है, एबिटा 10% से ग्रो कर सकता है, मार्जिन करीब 15.8% पे आ सकता है और नेट प्रॉफिट करीब 15% से ग्रो कर सकता है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो दो की डिवीजन रहेंगे जो ग्रोथ लीड करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए वो रहेंगे रिटेल और रिफाइनिंग। रिटेल में एनलिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं एबिटा का ग्रोथ करीब 21% होने का क्योंकि जो फेस्टिव सीजन था उसमें एक स्ट्रांग डिमांड देखने को मिली, उसके अलावा कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस कम थे, स्टोर एडिशन काफी रोबस्ट था और कंपनी का जो न्यू कॉमर्स बिजनेस है जियो मार्ट उसमें भी अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिला। उसके अलावा जो O2C सेगमेंट है ऑयल टू केमिकल सेगमेंट, उसमें एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एबिटा ग्रोथ करीब 13% की आ सकती है और O2C सेगमेंट में जो रिफाइनिंग डिवीजन है वह आउट परफॉर्म कर सकता है। और रिफाइनिंग डिवीजन आउट परफॉर्म करने के पीछे का कारण यह होगा कि सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन थर्ड क्वार्टर में ऊपर की तरफ था और इसी कारण रिफाइनिंग बिजनेस जो है वो आउट परफॉर्म करेगा। अब अगर पेट्रोकेमिकल डिवीजन देखेंगे तो उसका परफॉर्मेंस करीब फ्लैटेस्ट टाइप होगा कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर और इसके पीछे का कारण यह है कि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट था वो थर्ड क्वार्टर में ऊपर था। अब जो पेट्रोकेमिकल डिवीजन है इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो है गैस और गैस प्राइसेस ऊपर होने के कारण कंपनी का जो गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस है उसको बेनिफिट हो सकता है और एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस का एबिटा करीब 71% से ऊपर हो सकता है। अब अगर हम टेलीकॉम बिजनेस देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज का तो उसमें एक स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट को, रेवेन्यू एबिटा नेट प्रॉफिट करीब 4-5% से ग्रो कर सकता है और इसके पीछे का कारण होगा कंपनी का हायर आरपू और सब्सक्राइबर ग्रोथ। हायर आरपू हो सकता है क्योंकि कंपनी ने दिसंबर में टैरिफ हाइक लिया था और सब्सक्राइबर ग्रोथ देखना जरूर इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अगर आपको याद होगा तो सेकेंड क्वार्टर में कंपनी ने पहली बार सब्सक्राइबर लॉस रिपोर्ट किया था। उसके अलावा की चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट में वो है मैनेजमेंट कॉमेंट्री कैसी रही है क्योंकि अभी हम जो थर्ड वेव देख रहे हैं उसके कारण जो रिटेल फुटफॉल है उस पर क्या इंपैक्ट हुआ है उसका मैनेजमेंट कमेंट्री सुनना इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके साथ कंपनी का जो प्रोग्रेस हो रहा है टुवर्ड्स वो न्यू एनर्जी बिजनेस वो जानना भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कंपनी का जो नया फोन लॉन्च किया था उन्होंने दिवाली में जो कि जियो फोन नेक्स्ट था उसके लिए कैसा रिस्पॉन्स मिला है वो जानना इंपॉर्टेंट रहेगा और आखिर में कंज्यूमर बिहेवियर कैसा रहा है जब से कंपनी ने टैरिफ हाइक लिया है दिसंबर में ये जानना भी जरूर इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, इसके अलावा HDFC लाइफ और SBI लाइफ के भी नतीजे आने वाले हैं, हमारी सहयोगी उपासना बता रही है अनुमान क्या है। लाइफ इंश्योरेंस की सबसे बड़ी कंपनी HDFC लाइफ और SBI लाइफ अपने Q3 FY22 के नंबर्स रिपोर्ट करने वाली है। आइए देखते हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। HDFC लाइफ का देखा जाए तो हम एक्सपेक्ट करें कि न्यू बिजनेस प्रीमियम काफी हेल्दी ग्रोथ दिखाई दे सकता है। नेट प्रीमियम में हम एक्सपेक्ट करें कि ऑलमोस्ट
21.5% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई दे सकता है। VNB मार्जिन्स की बात करें तो वो काफी मॉडेस्ट रहेगी और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 26.5% पे वो दिखाई दे सकती है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो भी काफी स्टेबल दिखाई दे सकता है और कंपनी की जो परसिस्टेंसी रेशियो है जो कि काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर है लाइफ इंश्योरेंस के कंपनीज में, वो भी काफी स्टेबल दिखाई दे सकता है। आइए देखते हैं कि हम मैनेजमेंट कमेंट्री में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट का गाइडेंस अपने परसिस्टेंसी रेशियो पे, अपने वीएनबी और उसके मार्जिन्स पे, प्रीमियम कलेक्शन पे, ये सारे फैक्टर्स है जो हम काफी नजदीकी से देखेंगे। कंपनी की पैट की बात किया जाए तो उसमें भी हम ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट करें कि 17% का ग्रोथ दिखाई दे सकता है ईयर ऑन ईयर। आइए बढ़ते हैं एसबीआई लाइफ की तरफ। एसबीआई लाइफ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि न्यू बिजनेस प्रीमियम भी काफी स्ट्रांग अपटेक दिखाई दे सकता है उसमें। नेट प्रीमियम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 25% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस में दिखाई देगा। पैट की बात करें तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 26% का ग्रोथ वाई बेसिस पे और कंपनी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी का फोकस अपने प्रोटेक्शन सेगमेंट में रहेगा। परसिस्टेंसी की बात करें तो परसिस्टेंसी रेशियो भी काफी इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। मैनेजमेंट कमेंट्री में हम कौन से फैक्टर्स देखने वाले हैं, जैसे कि प्रीमियम कलेक्शन, कंपनी का ग्रोथ आउटलुक और कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि सिंजीन इंटरनेशनल के तिमाही नतीजे आ गए हैं और रेवेन्यू लगभग 10% बढ़ा है, साथ ही एबिटा मार्जिन भी बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव रहा है। और चलिए हमारे साथ विस्तार से बात करने के लिए सिंजीन इंटरनेशनल के सीओओ महेश भलकट भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में जहां पर हम नतीजों पर बात करेंगे। क्लियरली अगर हम देखें तो रेवेन्यू 10% बढ़ा है, एबिटा मार्जिन भी बढ़ता हुआ यहां पर दिखाई दिया है, प्रॉफिट मार्जिन पर जिस तरह का असर पड़ रहा है, जो दबाव दिखाई दे रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? अगर प्रॉफिट मार्जिन्स का आप पूछ रहे हो तो प्रॉफिट मार्जिन्स मैं एक्चुअली दोहराना चाहता हूं कि लेट्स लुक एट पीबीटी, कर पूर्व लाभ, उसमें 10% की वृद्धि है जो कि 128 करोड़ है, और जो पीएटी है कर पश्चात लाभ जो है वो 104 करोड़ है और उसमें 2% की वृद्धि है। तो ये जो कर पश्चात लाभ है ये एक्चुअली दो वजह से कम हुआ है, एक्चुअली तीन वजह से कम हुआ है। पहली बात तो ये है कि पिछले साल के तीसरे तिमाही में जो हमारा टैक्स रेट था वो बहुत कम था, क्योंकि तब एक जो रूलिंग हुआ था उसका फायदा हमें हुआ था और उसकी वजह से वो टैक्स प्रोविजन रिवर्सल की वजह से टैक्स रेट कम हुआ था। दूसरा ये था कि पिछले साल में हमारा मैंगलोर का जो यूनिट था वो ऑनलाइन आ रहा था, इसलिए उसका एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन था, जिसका भी फायदा हमें टैक्स के अनुरूप हुआ है। तीसरा ये है कि इस बार जो हमारे सेल्स है उसमें रेमडेसिविर के सेल्स भी है और रेमडेसिविर का जो हमारा टैक्स रेट है वो अलग टैक्स रेट है, वो अधिक टैक्स रेट है, जिसकी वजह से इस बार का जो हमारा टैक्स रेट है वो ज्यादा है एंड जिसकी वजह से पीएटी पर आपको इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। महेश जी, आप सीआरओ और सीआरएएम्स की तरफ अब चले गए हैं तो इसके लिए कितने कैपेक्स की जरूरत आपको पड़ी, बैलेंस शीट पर पोजिशन इसके मुताबिक फिर क्या है आपकी? मैं एक्चुअली पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा ट्रांजिशन है जो सीआरओ टू क्रैम्स का जो आप बता रहे हो वो एक बहुत लंबे दर्जे का ट्रांजिशन है, क्योंकि क्रैम्स बिजनेस ही ऐसा बिजनेस है जहां पर हर तरह की साइकिल्स लंबी साइकिल्स होती है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल लंबा होता है और प्रोजेक्ट टेक ऑफ के लिए भी ज्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से हम लोग एक्चुअली धीरे धीरे कैपेक्स ऐड करते जा रहे हैं उसके लिए, और इस वजह से हमारा जो इस साल का कैपेक्स प्लान था लगभग 750 से 900 करोड़ के बीच में, उसमें हम तीन टाइप का इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। एक तो डिस्कवरी सर्विसेज में कर रहे हैं जो कि हैदराबाद जैसे एक्सपेंशन कर रहे हैं, वहां पर नई फैसिलिटीज ला रहे हैं,
और फिर ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में भी एक्सपेंशन कर रहे हैं टू बी सक्सेसफुल इन द क्रैम्स बिजनेस। ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में आपने शायद देखा होगा कि हमने बायोलॉजिक्स में एक नए स्वीट का भी इनॉग्रेशन अनाउंस किया था, जहां पर हम माइक्रोबियल कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़कर हम एक फिल फिनिश लाइन भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो उस तरह का कैपेक्स यूटिलाइजेशन हो रहा है, पर ये कैपेक्स यूटिलाइजेशन इज इन लाइन विद आवर प्लान्स, एंड उसकी वजह से दिस इज नॉट पुटिंग अ प्रेशर ऑन आवर बैलेंस शीट। अगर आप देखो तो कैश फ्लो हमारा काफी अच्छा रहा है। कैश फ्लो एंड ऑफ डिसंबर 21 इज कंपेरेबल टू कैश फ्लो इन एंड ऑफ डिसंबर 20, जबकि हमने एक्चुअली 21 में और भी स्पेंडिंग किया है रॉ मटेरियल्स की तरफ। जैसे महामारी चल रही है और तो जो फोर्थ क्वार्टर के प्रोजेक्ट्स है उनको कंप्लीट करने के लिए हमने ऑलरेडी रॉ मटेरियल स्टॉक पाइलिंग किया है। उस स्टॉक पाइलिंग के बावजूद आप देखोगे कि जो ओवरऑल बैलेंस शीट का परफॉर्मेंस है वो काफी रोबस्ट परफॉर्मेंस है एंड कैश फ्लो में भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। चलिए अब ये बताएं कि अगली तिमाही में आखिर किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद है आपकी? पहले तो मैं ये बता दूं कि ये गाइडेंस हमने क्यों चेंज किया इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो इस चौथे तिमाही की बारे में बात करेगा। एक तो जो हमारा डेवलपमेंट सेंटर्स का जो बिजनेस था उसमें हमने थोड़ा बहुत विकास स्थिरता देखी है ये Q3 में। इसकी वजह यह है कि काफी क्लाइंट्स ने हमारे जो महामारी के से इम्पैक्ट हुए है या तो कई और रीजन से उन्होंने प्रोजेक्ट्स के टाइमलाइंस चेंज किए हैं और वो प्रोजेक्ट्स अब हम फोर्थ क्वार्टर में करेंगे। तो फोर्थ क्वार्टर का जो हमारा ऑलरेडी बेस था उसके ऊपर और भी एक Q3 का भी वर्क फोर्थ क्वार्टर में फ्लो होगा, उसकी वजह से फोर्थ क्वार्टर हमारा स्ट्रांग रहेगा और इस मजबूत एक्सपेक्टेशन प्रदर्शन के हिसाब से हमने ये गाइडेंस चेंज किया है। आगे बढ़कर मैं कहूंगा कि अगर आप FY23 का आप गाइडेंस मुझसे मांग रहे हो तो वो अभी मैं दे नहीं पाऊंगा, पर ये तो ये जरूर है कि जिस तरह से हम ग्रोथ देख रहे हैं डिस्कवरी सर्विसेज में, स्मॉल क्लाइंट्स की ग्रोथ देख रहे हैं, जो नए बायोटेक कंपनीज है, जो वर्चुअल या तो वेंचर कैपिटलिस्ट फंडेड कंपनीज है, उस तरह का ग्रोथ देख रहे हैं, डिमांड देख रहे हैं, डेवलपमेंट सेंटर्स में इसी तरह का जो मैंने बात की अभी उस तरह का ग्रोथ देख रहे हैं, और ऑफकोर्स मैंने ये भी कहा कि बायोलॉजिक्स में भी हम अच्छा इंक्वायरीज और अच्छी तरह से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का प्रभाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमसे तमाम बातें की। इसी के साथ बजट पेश होने में केवल 12 दिन रह गए हैं और उम्मीद है कि अब की बार जो बजट में मांग और रोजगार बढ़ाने की है 8% की ग्रोथ पर फोकस किया जाएगा और इसके लिए जरूरी है मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर साफ तौर से। और बजट में इंफ्रा और रोड हाईवे सेक्टर के लिए कितना आवंटन हो सकता है, हमारी खास सीरीज बजट खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं और हमारे साथ इस पर तमाम डिटेल्स अब देंगे हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। 1 फरवरी को पेश होने जा रहे यूनियन बजट में एक बात तो साफ है कि सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ पर फोकस बना रहेगा, बरकरार रहेगा और इसी से जुड़ी तमाम बड़े ऐलान होने की संभावनाएं साफ तौर पर नजर आ रही हैं। मसलन रोड सेक्टर को लेकर के सूत्र ये बता रहे हैं कि रोड हाईवे सेक्टर को लेकर के सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। जो बजटरी एलोकेशन होगा, जो बजट का आवंटन इस सेक्टर को के लिए होने जा रहा है, वो तकरीबन 1,70,000 करोड़ रुपए से लेकर के 1,80,000 करोड़ रुपए तक होने जा रहा है। यानी कि ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में जो बजट आवंटन हुआ था उसकी तुलना में अगर हम देखें तो तकरीबन 30-40% ज्यादा बजट आवंटित किया जाएगा। और इसकी पूरी पूरी संभावना इसलिए भी है क्योंकि सरकार ये चाहती है कि जितना ज्यादा इस रोड सेक्टर में बजट आवंटन होगा और जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ मिलेगा तो जो जुड़ी हुई इंडस्ट्री या सेक्टर हैं उनको भी जरूरी पुश या बूस्ट मिल पाएगा। मसलन सीमेंट,
स्टील इंडस्ट्री या जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जो इंडस्ट्री है उसको इससे भी काफी हद तक फायदा होने की उम्मीद साफ तौर पे बनती है। यही वजह है कि बजट में आप देख सकते हैं कि रोड सेक्टर के लिए 30-40% का बजटरी एलोकेशन बढ़ करके आ सकता है। पिछले वित्त वर्ष में जो सरकार ने बजट आवंटन किया था सेक्टर के लिए वो तकरीबन 1,20,000 करोड़ रुपए था, लेकिन बाद में जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था उसमें भी सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किया है सेक्टर को लेकर के, जो साफ दर्शाता है कि सरकार रोड बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, एक्सप्रेस वे बनाने के लिए लगातार वो उसका प्रतिबद्धता दिख रही है और उसमें खर्च भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। और एक बात और कि जो बजट में बढ़ोतरी होगी इसका एक बड़ा फायदा सरकार उठाना चाहेगी नए एक्सप्रेसवे या हाईवे बनाने को लेकर के, मसलन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो नए एक्सप्रेसवे बनाने की जो योजना है वो सरकार इस नए जो बढ़े हुए बजट के जरिए उसको पूरा करना चाहेगी। तो ये रोड सेक्टर के लिए सकारात्मक संदेश अभी से मिलने शुरू हो गए हैं और जो बजटरी एलोकेशन हो सकता है बजट में रोड सेक्टर के लिए वो तकरीबन 35% या 40% ज्यादा होगा और जो क्वांटम होगा वो लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए से लेकर के 1,80,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। इसके अलावा बजट में टेलीकॉम सेक्टर में भी आवंटन बढ़ सकता है और सरकार का बड़ा फोकस यहाँ पर सैटकॉम पर भी रह सकता है। और तमाम एक्सक्लूसिव खबरें बजट से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं, हमारे सहयोगी दानिश आनंद जो है विस्तार से इस पर आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, आने वाले बजट में सरकार टेलीकॉम सेक्टर को लेकर ज्यादा एलोकेशन कर सकती है और सूत्रों ने अब ईटी राव स्वदेश को बताया है कि सरकार आने वाले बजट में सैटकॉम और रूरल ब्रॉडबैंड पर एक इंक्रीज फोकस कर सकती है। जहां तक सैटकॉम स्पेस की बात आती है तो हम देख रहे हैं कि इस एरिया में काफी समय से एक काफी एक्शन हो रहा है, जहां एक हाथ पर इलॉन मस्क की कंपनी इंडिया में एंटर करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय बैंक वन वेब जो है वो भी अपना सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बजट में सरकार इस स्पेस को लेकर किसी ना किसी तरह का एक बड़ा ऐलान कर सकती है। दूसरे हाथ पर भारतनेट प्रोग्राम के अंदर सरकार रूरल ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन बढ़ाना चाहती है और सूत्रों ने ईटी नाव स्वदेश को बताया है कि फिलहाल 1.35 लाख विलेजेस रूरल ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड हैं, तो आने वाले बजट में सरकार इस फिगर को 2 लाख तक लेके जाने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। और वहीं दूसरी ही तरफ फाइबराइजेशन को लेकर भी हम एक मेजर अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि 5G ऑप्शंस इस साल होने वाले हैं तो उसके सपोर्ट के लिए फाइबराइजेशन एक अहम एंगल है, तो उसको लेकर सरकार एक मेजर अनाउंसमेंट कर सकती है। करंटली देश में जो फाइबराइजेशन है 30-33% के बीच में है और सरकार इस फिगर 40-50% के बीच में ले जाना चाहती है। तो ये कुछ ऐसे ऐलान है जो टेलीकॉम सेक्टर के लिए इस आने वाले बजट में सरकार कर सकती है। तो बजट नज़दीक आ रहा है, बजट पेश होने की तारीख नज़दीक आ रही है और ऐसे में कॉर्पोरेट जगत की भी उम्मीदें हैं वित्त मंत्री से। कॉर्पोरेट्स और एक्सपर्ट्स की उम्मीदें सरकार से यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कोटक एमसी के एमडी नीलेश शाह ने सरकार से बजट में खपत को बढ़ाने के उपाय करने को कहा है और साथ ही उनके मुताबिक टेक्सटाइल, ऑटो, हाउसिंग जैसे सेक्टर्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। One, let's call American way, whereby they started giving so much dues to their citizens that many people stayed at home rather than work in a low-end job like flipping burgers at McDonald's because they were getting more allowance sitting at home. Now, that is possible for a rich country. For a poor country like us, that is not the solution. We have been providing food greens to 80 crore families. I think if we can create an urban Manrega scheme, which is targeted towards school bus operators, which is targeted towards people in film and entertainment industry, which is targeted towards employees in restaurant and hotel industry. My feeling is that this will support consumption, this will give breathing space to this people, and they will be able to, you know, eventually get adjusted into the mainstream economy. So one is kind of using surplus labor to build urban infrastructure like we are doing in rural infrastructure. This will definitely support consumption. The second thing is to actually encourage industry so that we can create a virtuous cycle. Textiles, automobiles, housing and construction, these are three large industries which employs lots of people. Now in automobile today, there are limitations in terms of giving incentives because of raw material shortages.
housing and construction is least import dependency. And hence, if we encourage housing, then it will start creating a virtuous cycle where there will be more demand for house, they will employ more people, and they will go and spend money on consumption. So either we give money to the bottom of the pyramid, or we encourage industry which employs bottom of the pyramid, that combo will create solution for consumption and take it above pre-pandemic level. हर चीज की शुरुआत किसी ना किसी बिंदु से होती है और जब वो चीज आगे बढ़ जाती है तो पीछे रह जाता है उसका इतिहास और देश के बजट का भी एक इतिहास है और इन इतिहास के पन्नों को पलटती हुए हमारी एक छोटी सी कोशिश किस्सों के रूप में आपके सामने है। आज जब बजट पेश होता है तो देश के हर तबके की नजर उस पर होती है और एक दौर था जब देश में बजट ही नहीं आता था, लेकिन फिर कैसे बजट का किस्सा शुरू हुआ, कैसे ये बजट भारत का हिस्सा बना, ये कहानी है अविभाजित भारत की जो 1857 की क्रांति से शुरू हुई और आज तक दस्तूर जारी है। आप भी जानिए कहानी भारत के पहले बजट की। ये वो दौर था जब अंग्रेजी हुकूमत भारत में विद्रोह की आग झेल रही थी। 1857 की क्रांति के बाद से अंग्रेजी हुकूमत की वित्तीय हालत भी कुछ डावाडोल होने लगी थी। भारत में पैदा हुए वित्तीय संकट से उबरने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने एक बजट बनाने का फैसला किया जिससे खर्चों और कमाई का पूरा लेखा जोखा रहे। तब उनके जहन में एक नाम आया, जेम्स विल्सन। ये वही जेम्स विल्सन थे जिन्होंने द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर की नींव रखी थी। ब्रिटिशर्स के बीच में जेम्स की गिनती आर्थिक मुद्दों पर अच्छी पकड़ रखने वालों में होती थी। जेम्स विल्सन का जन्म स्कॉटिश बॉर्डर के करीब एक गांव हैविक में 1805 में हुआ था। 16 साल की उम्र में विल्सन एक टोपी बनाने वाली कंपनी में नौकरी करते थे और खाली वक्त में इकोनॉमिक्स से जुड़ी किताबें पढ़ते थे। जब वो बड़े हुए तो 1853 में उन्होंने चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन की नींव रखी जो कि आगे चलकर 1969 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया। 1860 में जेम्स विल्सन को अविभाजित भारत का पहला बजट बनाने की जिम्मेदारी दी गई। 1857 की क्रांति के बाद से अंग्रेजी हुकूमत के खर्चे काफी बढ़ गए थे। अंग्रेजों को सेना और पुलिस के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ रहा था जिसकी वजह से अंग्रेजी हुकूमत के कर्जों में 36% का इजाफा हो गया। इन सब चुनौतियों के बीच जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को फाइनेंस मेंबर ऑफ इंडियन काउंसिल के तौर पर भारत का पहला बजट पेश किया। ये बजट कई मायनों में खास था क्योंकि ये ब्रिटिश मॉडल पर आधारित भारत का पहला वित्तीय बजट था। इस बजट में राजनीतिक और सैन्य कारणों से टूटे वित्तीय तारों को फिर से जोड़ा गया। सैन्य वित्त आयोग के नागरिक व्यय की कई शाखाओं की समीक्षा की गई। वित्त मंत्री पद से जुड़ी जिम्मेदारियों का एक नोट तैयार किया गया था। हालांकि इस बजट की आलोचना भी काफी हुई। ये कहा गया कि बजट बनाते समय भारतीय हालातों का ध्यान नहीं रखा गया। बजट में जेम्स विल्सन ने आयकर कानून बनाया था जिससे कारोबारियों, जमींदारों और आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बजट में जेम्स ने कुछ बड़े ऐलान किए थे, जैसे विल्सन ने बजट में 3 तरह के टैक्स लागू करने का प्रस्ताव दिया, इनकम टैक्स, लाइसेंस टैक्स और तंबाकू पर ड्यूटी। हालांकि सिर्फ इनकम टैक्स ही लागू किया जा सका, बाकी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चार्ल्स कैनिंग की मांग पर हटा दिया गया। बजट में एक सरकारी पेपर करेंसी का भी ऐलान किया गया। बजट एस्टिमेट और ऑडिटिंग के जरिए वित्तीय सिस्टम को रिफॉर्म करने का प्रस्ताव भी दिया गया। सिविल पुलिस विभाग और पब्लिक वर्क और रोड के लिए अलग से एक विभाग बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया। जेम्स को ही मिलिट्री फाइनेंस कमीशन और सिविल फाइनेंस कमीशन बनाने का भी क्रेडिट दिया जाता है। इस बजट ने अंग्रेजों को अपनी वित्तीय सेहत सुधारने में काफी मदद की। इस बजट ने अपने दौर में काफी सुर्खियां भी बटोरी। हालांकि इस बजट के हीरो जेम्स विल्सन बजट पेश करने के कुछ महीनों बाद ही चल बसे। उनकी मृत्यु कोलकाता में 11 अगस्त 1860 को 55 साल की उम्र में हुई। जेम्स विल्सन की कब्र आज भी कोलकाता के मलिक बाजार में मौजूद है। जेम्स भारत में सिर्फ 8-9 महीने ही रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटी नाउ स्वदेश। तो ये दिलचस्प इतिहास बजट का आपने आज जाना।
स्वदेश आर की खास पेशकश में। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, हेल्थ सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। आपकी खरीदी हुई दवा असली है या नकली, इसकी पहचान करना अब बेहद आसान होने वाला है। अब QR स्कैन करके इसका पता लगाया जा सकेगा और सरकार ने सभी दवाओं में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी APIs पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। पूरी खबर असल में क्या है और आपको कैसे फायदा होगा, समझा रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। जी बिल्कुल, दवाइयों को लेकर के अक्सर कई सवाल उठते हैं कि ये दवाई असली है कि नकली है, बनी कहाँ पर है, इसको किसने बनाया है, और यदि इंपोर्ट किया गया है तो उसको किसने इंपोर्ट किया है। ऐसे तमाम अहम सवालों के जवाब लोग ढूंढना चाहते हैं, वो जवाब चाहते हैं, लेकिन कई बार पेचीदगियों के चलते ये जवाब नहीं मिल पाते हैं। और अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसी दिशा में एक बड़ा और अहम कदम उठाया है कि अब जितने भी दवाई बाजार में उपलब्ध होंगी, जो आप केमिस्ट से खरीदें या फिर ऑनलाइन खरीदें, तो अब आप एक स्कैन करके, एक QR कोड को स्कैन करके इन तमाम सवालों के जवाब आसानी से हासिल कर सकते हैं। जो सरकार ने यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके तहत API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को लेकर के QR कोड होना अनिवार्य होगा। और इस QR कोड से फायदा यह होगा कि जब आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे जो दवाई पर होगा, तो आपको सभी अहम जानकारियां, मसलन ये दवाई असली है नकली है, ये कहां बनी है, इसका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस क्या है, इस दवाई का एक्सपायरी डेट क्या है, और इस तरीके की तमाम जानकारियां आपको एक स्कैनर के जरिए हासिल हो पाएगी और वो बहुत आसानी से आप अपने मोबाइल के जरिए स्कैन करके हासिल कर सकते हैं। ये जो नया नियम है ये 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। दरअसल इसके पीछे सरकार ने एक लंबी मेहनत करी है। ये नियम तो इससे पहले 2011 में ही लागू हो जाना चाहिए था, क्योंकि कोशिश तब से की जा रही थी, लेकिन तब फार्मा कंपनियों ने इसका विरोध किया। अलग अलग कारणों से ये पूरी जो प्रक्रिया है वो काफी डिले हुई, काफी इसमें देरी लगी, लेकिन अब जाकर के सभी लोगों की सहमति बनने के बाद में ये नियम लागू होने जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो अब इसका सीधा सरल मतलब यह है कि आने वाले वक्त में जब यह नियम इसको हकीकत में तब्दील हो जाएगा, तब आप जब भी दवाई जो खरीदेंगे, चाहे वो बाजार से खरीदें या ऑनलाइन, तो आप उसमें मौजूद QR कोड के जरिए दवाई से जुड़ी सभी जानकारियां अपने मोबाइल पे आसानी से हासिल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों की वैक्सीनेशन की, जहां पर 12 से 15 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन जल्द शुरू होगा। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने ये उम्मीद जताई है और स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बारे में जानकारी भी दी है और सभी जरूरी कदम उठाने की जरूरत भी बताई है। 12 साल तक वैक्सीनेट करना एक हमारे लिए एक गोल कह सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव है सामने, और ये फैसले तभी लिए जाते हैं जब साइंटिफिक क्राइटेरिया, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पूरी हो और पूरी वैक्सीनेशन प्रोग्राम का होलिस्टिक व्यू लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसकी तरफ पूरी नज़र है और जो अभी काम पकड़ा है उसको पूरा करें, उसको अपनाएं, और फिर ये इस फ्रंटियर पे भी काम हो रहा है, सोच का भी, प्रोडक्शन का भी और साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग का भी। चलिए बात करते हैं अब क्रिप्टो विज्ञापनों की, जहां पर क्रिप्टो के विज्ञापनों की गाइडलाइंस को लेकर क्रिप्टो एक्सचेंजेस और एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI के बीच चर्चा का दौर जारी है। माना यह जा रहा है कि इन विज्ञापनों में निवेशकों के लिए क्रिप्टो निवेश को लेकर डिस्क्लेमर देना अनिवार्य होगा। जल्द ही इन गाइडलाइंस के जारी होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तमाम डिटेल्स इसको लेकर हमारी सहयोगी कृतिका अरोरा दे रही हैं। क्रिप्टो एक्सचेंजेस फाइनल ड्राफ्ट ऑफ गाइडलाइंस फॉर क्रिप्टो एडवर्टीजमेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं और एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया इन डिस्कशंस का पार्ट है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ। तो इन गाइडलाइंस के मुताबिक क्रिप्टो एक्सचेंजेस को मैंडेटोरी डिस्क्लेमर्स देने होंगे इन्वेस्टर्स के लिए और उन डिस्क्लेमर्स में ये मेंशन करना होगा कि क्रिप्टोस अभी भी लीगल टेंडर नहीं है इंडिया में, काफी वॉलेटाइल है और अभी भी इन पर रेगुलेशन, गवर्नमेंट का रेगुलेशन आना बाकी है। इसी तरीके से उनको प्रिंट एड या ब्रॉडकास्ट एड में कुछ अपना स्पेस अलॉट करना होगा डिस्क्लेमर्स के लिए, जैसे कि प्रिंट एड में एटलीस्ट अराउंड 20% ऑफ स्पेस उनको अलॉट करना होगा डिस्क्लेमर्स के लिए, ब्रॉडकास्ट के लिए कुछ सेकंड्स उनको अलॉट करने होंगे और ये मेक श्योर करना होगा कि ये डिस्क्लेमर्स इन्वेस्टर्स आसानी से पढ़ सकते हैं। इन क्रिप्टो एक्सचेंजेस कभी भी अपने एडवर्टीजमेंट्स पे ये नहीं दिखा सकते, ये नहीं क्लेम कर सकते कि कितना रिटर्न इन्वेस्टर्स अर्न कर सकते हैं अगर वो क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्हें ये मेक श्योर करना है
कि इन एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू इन्वेस्टर्स इसको एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं ले रहे हैं, पूरा रिस्क जानकर ही ले रहे हैं, पूरा रिस्क जानकर ही इन क्रिप्टोज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ ASCII जो कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो भी यही कहता है कि वो एडवांस्ड स्टेज ऑफ टॉक्स पर है एक्सचेंजेस के साथ, और इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, और जल्द ही इन गाइडलाइंस को आगे बढ़ा दिया जाएगा, इन गाइडलाइंस को फाइनलाइज कर दिया जाएगा। अमेरिकी अथॉरिटी से मंजूरी मिलने के बाद एयर इंडिया ने आज से अमेरिका के लिए अपनी उड़ानें फिर से शुरू कर दी है। अमेरिका में 5G मोबाइल रोल आउट की वजह से एयर इंडिया ने अमेरिका जाने वाले 8 उड़ानों को रद्द किया था। एयर इंडिया ने बताया है कि 5G रोल आउट को लेकर अमेरिका में उड़ान भरने वाले बोइंग 777 के मामले को सुलझा लिया गया है। 5G रोल आउट को लेकर एयर इंडिया के अलावा दुनिया की कई बड़ी एयरलाइन कंपनियों ने अमेरिका में उड़ान संचालित करने को लेकर चिंता जाहिर की थी, लेकिन अमेरिका अथॉरिटी से मंजूरी मिलने के बाद एयर इंडिया की उड़ानें आज से शुरू हो गई हैं। चलिए तो यहाँ पे शो समाप्त हो चुका है, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ खास तस्वीरों के साथ, और आपको बताना चाहेंगे कि राजपथ पर चल रही रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल की शानदार तस्वीरें यहाँ पर आई हैं। राजपथ पर इंडियन आर्मी के पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो का जोश भर देने वाला ये मोर्चा हम आपको दिखाते हैं। Don't fuck.